कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी के द्वारा लोकसभा चुनाव के तहत मिनिमम इनकम गारंटी योजना की घोषणा को लेकर आज प्रदेश भर में कांग्रेस प्रवक्ताओं द्वारा जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसी कड़ी में मंदसौर जिले के कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश प्रवक्ता रवि डांगी ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस योजना का जमकर बखान किया। देखिए रिपोर्ट। दरअसल मिशन 2019 से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा चुनावी वादा किया है। चुनावी जंग में बाजी अपने नाम करने के लिए राहुल गांधी ने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा किया और कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए मिलेंगे। तो वहीं योजना के प्रचार प्रसार के लिए आज प्रदेश भर में कांग्रेस प्रवक्ताओं ने जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस में मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश प्रवक्ता रवि डांगी ने मीडिया से चर्चा करते हुए योजना का जमकर बखान किया। डांगी ने कहा कि देश के पीएम ने अपने लोगों का कर्ज करोड़ों में माफ किया है, लेकिन वे गरीबों की मिनिमम आमदनी की घोषणा को पचा नहीं पा रहे हैं। सीधा सट 2014 में मोदी जी ने जो वादे किए थे उन वादों में से एक भी खरे नहीं उतर पाए। सीधा सट ये कहना है कि मोदी जी की सरकार और मोदी जी असफल रहे हैं, चाहे युवाओं के 2 करोड़ रोजगार की बात करें, चाहे भारत के नागरिकों के खाते में 15 लाख डालने की बात करें, चाहे हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, हर एक वचन में फैल हुए हैं मोदी जी। उन्होंने 15 व्यापारियों के साथ में इस देश को चलाने का कार्य किया, जिसके माध्यम से उन्होंने इन 5 सालों में 3.5 मतलब 3.5 लाख करोड़ उनके आसपास रहने वाले जो उनके पांव दबाते थे, जो उनका सर दबाते थे, उनके चेहरे को चमकाने वाले, उनके जेबों में पेन रखने वाले, उनको महंगे सूट पहनाने वाले, ऐसे 15 व्यापारियों का 3.5 लाख करोड़ जब कर्ज माफ कर सकते हैं तो मेरी गरीबों का 3.5 लाख क्या दे नहीं सकते हैं। इस बात पर इन विचारों के साथ में राहुल गांधी जी ने देखा कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद, क्योंकि इस बात को समझना पड़ेगा कि इंसान के खड़े होने की ताकत उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार देश के खड़े होने की ताकत गरीबी हटाओ अभियान के अंतर्गत गरीबी हटाना टारगेट होना चाहिए। और जब गरीबी हट जाती है तो देश खड़ा इस मजबूती के साथ हो जाता है कि देश को कहीं और नहीं देखना पड़ता है। पहला पैरामीटर यही मैं कहना चाह रहा हूं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 70% गरीबी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने निरंतर कार्य किया, चाहे वो इंदिरा गांधी जी की सरकार हो, चाहे वो राजीव गांधी जी की सरकार हो, चाहे यूपीए फर्स्ट हो, चाहे यूपीए सेकंड हो, उसने निरंतर कार्य करके 70% गरीबी को 22% तक लाई। 22% गरीबों की चिंता विपक्ष में रहकर राहुल गांधी जी ने करी, वो चिंता करके 6 महीने पहले पी चिदंबरम जी, मनमोहन सिंह जी जैसे वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के माध्यम से उन्होंने न्याय योजना बनाई। उस न्याय योजना के माध्यम से 20% गरीब लोगों को गरीबी से हटाया जाएगा। 72,000 रुपये प्रत्येक गरीब, मतलब प्रत्येक गरीब परिवार में प्रमुख महिला के खाते में सीधा डाला जाएगा। क्या पैरामीटर के 20% गरीब हैं जो बीपीएल धारक हैं, जो 22% गरीब है उसमें से 20% गरीबों को सीधा सट उनके अकाउंट के में डालकर उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा और गरीबी हटाई जाएगी इस देश से। पैरामीटर ये है कि जो 12,000 से कम आय है जिन लोगों की, उनके खातों में मिनिमम 12,000 आय करी जाएगी। कैसे तय करेंगे सर? ये तय पूरा डाटा, इस पर भी एक योजना बनाई गई है। उस योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि देश में 22% गरीब हैं, तो उन गरीबों पर डाटा कलेक्ट कर उस योजना के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने के लिए भी योजना बनी हुई है। सरकार आने के बाद उस योजना पे काम किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रवि डांगी ने एमपी न्यूज से खास चर्चा में बताया कि पीएम मोदी हर मोर्चे पर फेल हुए, तो वहीं कांग्रेस द्वारा देश में 70% गरीबी को घटाकर 20% किया गया है।
बिंदु इरहाम न्याय योजना को लेकर आज प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। राहुल गांधी जी ने एक न्याय योजना कांग्रेस की सरकार आने पर देश से गरीबी 20% गरीबों को फायदा पहुंचाने का कार्य करेंगे, उस योजना को लेकर हम यहां पर प्रेस वार्ता लेने के लिए आए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद 70% गरीबी थी, उसको निरंतर कम करते करते कांग्रेस सरकार जब जब रही तब तब उसने कार्य किया, और आज देश के अंदर 2014 तक जब 22% थी और मोदी ने गरीबों पर कोई काम नहीं किया, तो राहुल गांधी जी को हताश हुए और गरीबों पर काम ना करते हुए मोदी को देखते हुए उन्होंने काम किया, और काम करते हुए ये किया कि 20% गरीबी हटाने के लिए डायरेक्ट प्रत्येक गरीब परिवार 5 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपये के मायने से 3.6 लाख करोड़ रुपए सीधे सेट भारत के गरीबों को दिए जाए। कुल मिलाकर आगामी लोकसभा चुनाव के पहले न्यूनतम आय योजना को एक और जहां कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक मान रही है, तो वहीं भाजपा इसे चुनावी शिगुफा बता रही है। बहरहाल अब ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे कि जनता किसे जनादेश देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, मंदसौर।